किसानों के आंदोलन को लेकर दो बातें हो रही है। पहली बात प्रमुखता से ये कही जा रही कि किसानों के पीछे राजनीति है और दूसरी कि किसानों के पीछे खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन तक का नाम कुछ नेता ले रहे हैं। आंदोलन के पीछे राजनीति की बात प्रधानमंत्री ने भी किसानों से संवाद में कही। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा, जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, तो क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो, लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। क्या इसी कारण आंदोलन में पिछले एक हफ्ते से रोज भूख हड़ताल करते किसान तो काफी लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन 30 दिन से कानून रद्द कराने के लिए जुटे किसानों के आंदोलन में अन्नदाता को मौज मनाने वाला बता दिया जाता है। सिंह बॉर्डर पर खीर का लंगर संवाददाता नवजोत रंधावा को दिखा। अब कुछ लोग इस खीर के पीछे भी राजनीति के दोने और बाल्टी बता सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, उल्टा यहाँ पर लंगर लगा के भाईचारे का संदेश भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, दोनों तरफ से समझते हैं किसान कि हम बात के जरिए बात निकालेंगे, और ये जरिया और ये रास्ता दिखा है। देखिए, ये गुरुओं ने परंपरा शुरू की थी। पूछा गया कि कब तक ये लंगर चलाओगे, तो जवाब आया 550 साल से तो चल रहा है, अभी आगे देखिए कब तक चलेगा। मैं यही क्वेश्चन आपसे करती हूँ, कहाँ से आया? पटियाला, जिला पंजाब। क्वेश्चन उन्हें ही उठ गया भी, तुसी किन्ना किचड़ चलाओगे? जब तक यही मानदा नहीं हैगा, मोदी मना के छड़ांगे, नहीं चल रहा फिर गुरु का लंगर हमेशा तो चल रहा, चलता रहेगा। मैं गुरदासपुर तो हाँ, पिंड मेरा गुरदासपुर है, माझे तो हाँ, पिछों असी पंजाब तो हाँ, पाकिस्तान तो हाँ। ओके, मैं बस ये पूछ रही हूँ, गुरुआ ने लंगर चलाया, पूछा गया किसी नू भी कदों तक लंगर चलूगा? क्या भी बाबे ने 550 साल तो हो गया, गां पता नहीं कदों तक चलूगा। अब क्वेश्चन यही उठ रहा है कि आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? सरकार ने तीसरी बार बोला है कि आप आइए हमसे बात कीजिए, पेच कहाँ फंसा हुआ है, नाराजगी कहाँ है? ये बात है ना, आपने बताया कि कब तक चलेगा, जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी, हाँ या नहीं करेगी, उतना तक लंगर चलेंगे। गुरु नानक पातशाह के लंगर चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम जपो, वंड छको, किरत करो। यहाँ किसानों की किरत का लंगर है जी, जो वहाँ वंड छक रहा है, जिसने हमारे 26-27 तारीख को गोले फेंके, अथरू गैस के डंडे मारे, बछाड़ो मारियाँ, वो हमने सहियाँ, वो भी वहाँ आकर लंगर छकते हैं, हमें खुशी होती है। वहाँ बैनर लगा भाई कन्हैया जी का, ये लंगर सभी के लिए है। कम से कम आप अपनी तीन ऐसी मांगे बताइए जो आप चाहते हैं, सरकार नहीं मानी तो हम नहीं उठेंगे। मेन जड़ी मांगे हैं, एक तो जो कानून है, मेन सबसे बड़ी है, रद्द होना चाहिए। जब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ पर, 6 महीना लगे चाहे साल लगे, और कोई हमारी मांग नहीं। पहले हमारी मांग है 6 जो 3 कानून है, ये है रद्द के। जिंदाबाद। तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लंगर चल रहे हैं और साथ ही साथ ये संदेश दिया जा रहा है भाईचारे का भी। देखिए, आंदोलन है, आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से। हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर का पूरा एरिया है और उससे भी आगे तक देखिए 225 किलोमीटर शंभू और सिंगू बॉर्डर की दूरी है, लेकिन बर्फ इतनी जमी है दिलों में कि वो पिघलने को तैयार नहीं। कोशिशें की जाती हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। फिलहाल 1 महीना पूरा हो चुका है, चलिए देखते हैं कहाँ तक आवाज बुलंद हो रही। इधर नवजोत को ये बात सिंह बॉर्डर पर समझ आ रही थी कि तनातनी अब सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर ही नहीं, बल्कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी फंडिंग से जोड़कर बताए जाने को भी पैदा हो चुकी है। हर आदमी के पास आईडी प्रूफ है, जो पाकिस्तान का उसके पास आईडी प्रूफ तो नहीं होएगा ना इधर का। ये मोदी जल्दी मान जाएगा तो हम जल्दी वापस चल जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आया। जलंधर से आए हैं।
यानी दुआबा, यानी माझा, दुआबा, मालवा तिने इथे है, पर टीकरी वालू मालवे वाले सब इथे बैठे है। मेरा एक क्वेश्चन है, कब तक का इंतजाम आपके पास अभी है? अभी हमारे पास टन बाई टन ट्राली आता है, राशन का भी आता है, बालन का भी आता है, सब चीज का आता है। तो कितना टाइम ये नहीं मानेगा उतना टाइम कोई वापस नहीं जाएगा। हमको कम से कम 15 दिन हो गया इधर बैठा है। आप 15 दिन से आए लेकिन आज तो एक महीना पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ हो गया। चलिए, मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे नहीं जाएंगे। नाराजगियां हैं लेकिन इल्जाम नहीं लगाइए। ये सारी तल्खियां भी यहाँ से देखने को मिल रही है। इस बीच हम आपको लिए चलते हैं आगे। आंदोलन ऐसा जहाँ लड़ाई भी है तो सफाई भी है, जहाँ किसान सुरक्षा की चिंता है तो आंदोलनकारियों की सेहत की भी फिक्र। लेकिन असली मुद्दा तो 3 कानून जिसे किसानों के हित के सांचे में फिट होकर पास हुआ बताकर सरकार किसानों का भ्रम तोड़ने में जुटी है। लेकिन किसान उन्हीं कानूनों के खिलाफ अपनी रोटी की फिक्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस शक्ति के साथ आंदोलन लंबा चले, आंदोलन की आग बुझने नहीं देंगे। पंजाब की खासियत यही है कि जाए तो कोई भूखा नहीं मरता है, पर ना मरने देता है। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी, ना मरता है ना मरने देता है, लेकिन किसान तो भूख हड़ताल कर रहा है। मैडम भूख हड़ताल इसके लिए अपने हकों लिए करता जी, किसी ये नहीं कहा अपना ना किसी का कदे हक खोया ना कदे खोन दिता जी। इसने जो भी साडा भाई एक आया, असी एक सब, जब तक सानू नहीं इंसाफ मिलूगा असी इथों नहीं हिलांगे। सानू जिन्हें बताइए, ये राशन ज्यादातर तो 6 महीने का आया हुआ है, लेकिन ये अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त लग, क्योंकि 1 महीना तो बीत गया, अब फिर उसके बाद क्या? मैडम किसान अन्नदाता है, सारी दुनिया ने खड़ा जी, भावे 2 साल चले साल चले, जेड़ा अनाज दी आप पैदावार करता वो भुखा मरूगा। तुसी मैनू ये दसो ना होगा? ना कोई चक्कर नहीं, साल बैठोगे 2 साल बैठोगे ना बेचांगे, आपां इत्थे देंगे, क्यों साडा हक वाजी लड़ना। जे असी अपनी रोटी लिए लड़ते हैं जी, जे ये खत्म होगी तो फिर असी खत्म।